स्वागतम। आइए दोस्तों, आज नैनीताल चलते हैं, तो बने रहिए वीडियो में नैनीताल घूमने के लिए मेरे साथ। नैनीताल उत्तराखंड को बेस्ट झील है। यह 1500 मीटर लंबी, 510 मीटर चौड़ी तथा 30 मीटर गहरी है। यह झील अपने नैसर्गिक सौंदर्य के लिए लाखों पर्यटकों को बार बार आने के लिए आमंत्रित करती है। नैनीताल 7 पहाड़ियों से घिरा है। आयारपात, देवपात, हाड़ी वादी, चीना पीक, आलम लरिया, काटा और शेर का डांडा। चीना पीक से पूरा नैनीताल शहर दिखाई देता है। यह 8568 फुट ऊंची है। यहाँ लोग भी बहुत अच्छे नेचर के हैं। शाहजहाँपुर के श्री पी बैरन यहाँ पर पिलग्रिम कॉटेज नामक घर बनवाया था और इस स्थल की और संसार के पर्यटन प्रेमियों का ध्यान आकर्षित किया था। भौगोलिक परिवर्तनों ने नैनीताल के सौंदर्य में द्विगुणित अभिवृद्धि की है। 1880 सितंबर मंथ में हुआ भूस्खलन तो नैनीताल के लिए वरदान सिद्ध हुआ। यहाँ एक विशाल मैदान बन गया जिस पर नैनीताल शहर विकसित हुआ। नैनीताल के पास नैना देवी मंदिर है। झील से आप पैदल चलकर भी या बाइक वाले ले जाते हैं। नैनी में विहार करने का अलग ही रोमांचक अनुभव प्राप्त होता है। इसके लिए यहाँ 300 रुपये से 550 रुपये तक चार्ज लगता है। नैनीताल की यात्रा का प्रमुख आकर्षण नैनी झील ही है। इस वीडियो में मैंने थोड़ी कोशिश किया है कि नैनीताल के सौंदर्य को दिखा सकूं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। देश ही नहीं अपितु पूरी दुनिया का पसंदीदा टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ लोग घूमने फिरने के साथ हनीमून बनाने के लिए आते हैं। यहाँ का मौसम सबसे ज़्यादा गर्मियों के दौरान सैलानियों को भाता है। नैनीताल की खूबसूरती और ठंडी आबो हवा की वजह से सैलानी अपने आप यहाँ खींचे चले आते हैं। स्वर्ग जैसा एहसास प्राप्त करने के लिए नैनीताल आ सकते हैं। नैनीताल के आसपास बहुत से झील हैं। 60 झीलों में से प्रमुख झील नैनीताल ही है। नैनीताल प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और हसीन वादियों से भरा एक हिल स्टेशन है, जहां आप अपने परिवार वालों, अपने दोस्तों या अकेले घूमने के लिए जा सकते हैं। इसके आसपास घूमने के लिए बहुत जगहों की कमी नहीं है। मैंने इसी चैनल में नैनीताल के अन्य प्रमुख जगहों का भी वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आप 3 दिन की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो पहला दिन इन वादियों में बिता सकते हैं। पहले दिन आप नैनीताल की झील को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बर्फ़ से ढके पहाड़ों, रंग बिरंगी नावों, हरे भरे हरियाली और ठंडे वातावरण से घिरी नैनीताल झील एक अच्छी ट्रिप की शुरुआत हो सकती है। इसके बाद आप स्नो वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि यह समुद्र के सतह से 2270 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित नैनीताल का सबसे खूबसूरत और लोकप्रिय स्थल है। दूसरे दिन आप नैनीताल में टेम्पल को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। नैनी झील के तट पर एक स्थित नैना देवी मंदिर है। यह भगवान शिव की पत्नी सती की देवी की मंदिर है। आप इस खूबसूरत मंदिर को देख सकते हैं। इसके बाद आप नैनीताल का चिड़ियाघर भी देख सकते हैं। तीसरे दिन ज़्यादातर लोग घूमने के साथ साथ घर जाने की भी प्लानिंग करने लगते हैं।
इसलिए आप जाते वक्त नैनीताल का दमाल रोड घूम सकते हैं। आप यहां से शॉपिंग कर सकते हैं, यहां से आप कुछ स्मृति चिन्ह घर वापस ला सकते हैं। स्थानीय लोगों के लिए मौज मस्ती और मनोरंजन के लिए और पर्यटकों के लिए शाम बिताने के लिए यह एक आम जगह है। इसके बाद आप अपने घर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। 3 दिन नैनीताल ट्रिप पर इन जगहों पर ज़रूर एक्सप्लोर करें। यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें।